हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज मैं आपके सामने एक वापस से एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ अपनी क्लास के अंदर। एक मिनट में एक कंसेप्ट आज मैं सिखाऊंगी कि साल का कोई भी दिन हम कैसे निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है कि आप किस दिन पैदा हुए थे, आज से ही आप लोग निकालेगा कि मम्मी से पूछेगा अपनी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और अपने मम्मी पापा का निकालेगा आप किस दिन पैदा हुए, आप बताइएगा। ठीक है, तो आपको सभी लोग बोलेंगे होशियार हो चुके हो आप लोग, क्योंकि आप बिना कैलेंडर के चलते फिरते आप कैलेंडर बन जाओगे। आपको पता है इतना इम्पोर्टेंट है ये चीज। तो आज हम सीखेंगे मात्र 1 सेकंड के अंदर कि कैसे हम कैलेंडर कोई भी सवाल को निकाल सकते हैं, कोई भी दिन की कोई भी डेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अपने साथियों को बोलिएगा कि इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, आप सीखते हैं। मान लीजिए हमें कोई दिन दिया हुआ है 2 मई 2018, और आपसे पूछ लिया जाए बताओ इस दिन कौन सा दिन था, कैसे निकालोगे। बहुत आसान है इसको निकालने के लिए। इसको निकालने से पहले आपको कोड पता होना चाहिए। जो कोड है वो ये है आपका 14402503646146। इसको लर्न करना होगा कोड को। इस कोड को याद करने से आप कोई भी सवाल निकाल सकते हो। याद करने का तरीका ये है आपका 12 का स्क्वायर, ये है आपका 5 का स्क्वायर, ये है आपका 6 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 146। आई बात समझ में? क्या है 14402503646146, ये है 12 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये हो गया अब आपका 146। ठीक है, अब देखिए शुरुआत करते हैं कैसे करेंगे। देखिएगा, पहले हम डेट लिखेंगे, प्लस का 2 किया। मई का कोड देखेंगे 4 होता है, प्लस का 4 किया। अब 2000, ये क्या है 2000, दो 2000 को दो पार्टों में बांट लो, 2000 प्लस का 18, इसको कैसे लिखा 2000 प्लस का 18, 2000 का और डेज कितना होगा 0, अभी लिखवा दूंगी कैसे होगा। ठीक है, 0 प्लस का 0, 18 को ऐसे लिख लिया हमने, प्लस 18 बाय 4 किया, 18 बाय 4 कितना हो जाएगा 4416। बस केवल हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चेंट लिखेंगे, क्वेश्चेंट कितना आया 4 प्लस का 4, ठीक है प्लस का 4 और प्लस का 5, लास्ट में प्लस का 5 ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, सबको प्लस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको पहले डिवाइड कर लो 7 से फिर प्लस करो। देखो ये डिवाइड होगा नहीं, 2 लिखा, ये होगा नहीं, इसको 4 लिखा, ये हो जाएगा 7 × 2 = 14, 4 रिमाइंडर बचा, ये 4 रहेगा और ये 5 हो गया। अब देखते हैं, 4 × 4 = 8 × 4 = 12, 12 × 13 = 14, 14 और 5 कितना हुआ 14 × 5 = 4 = 9, 90, 19 रिमाइंडर आया। 19 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 और 5 क्या आया 5, ये हमारा आंसर है 5। अब 5 का मतलब क्या हुआ, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये 1 2 3 4 5 मतलब फ्राइडे होगा। इस दिन क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे हो जाएगा। मुझे पता है ऊपर से गई होगी बातें। अब देखिएगा क्या क्या चीज समझ में आ चुकी होंगी आपको, पहले देखिए ये समझ में आ गया कि 2 कैसे आया, ये आपको समझ में आ चुका होगा 2 कैसे आया, 2 कैसे आया डेट लिख दी। ये समझ में आ गया 4 कैसे आया, मे का कोड लिखा, मे कब आता है 4 कोड है मे का कोड लिख दिया। अब ये 2000 का 0 कैसे आया ये मैं सिखाऊंगी अभी आपको। 18 कैसे आया, जो पीछे लिखी होती है वैल्यू 2 डिजिट वो एज इट इज लिख दिया। इसको 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो लिखेंगे यहाँ पे, वो यहाँ लिख दिया, और प्लस का 5 आखिरी में ऐड करना ही है। इसका मतलब क्या चीज रह गई, ये 0 वाली। अब वो देखते हैं 0 कैसे आता है, देखिएगा ध्यान से इस चीज को देखिएगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा इस चीज को। जैसे 2000 है, 2000 कोई बोले कि और डेज निकालो, कैसे करोगे। ठीक है, 1600 और कोई बोल दे 1900 या 1800, दिख नहीं रहा होगा सॉरी, बोल दे 2000 का ऑड डे निकालो, 1600 का ऑड डे निकालो, 1900 का ऑड डे निकालो, 2300 का ऑड डे निकालो, 1700 का ऑड डे निकालो। ठीक है, ये सब पूछेगा तो कैसे करोगे। जब भी आपसे ऑड डे निकालने की बात हो, ऑड डेज कैसे निकालोगे, सेंचुरी ईयर का कैसे निकालोगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे जो 400 का मल्टीपल हो। ये क्या है 400 × 5, जरूरत ही नहीं पड़ी,
ये क्या है 400 × 4, जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको करेंगे देखो, 1600 प्लस का 300, ये क्या हो जाएगा 400 × 4। हमें हर किसी को 400 के मल्टीपल में करना है, ये कितना हो जाएगा 400 × 5 20 और इन प्लस का 300, ये क्या हो जाएगा 400 × 4 1600 और प्लस का 100। क्लियर हो गया? इस प्रकार से आपको सबको डिवाइड कर लेना है, इस प्रकार से आपको सबको डिवाइड कर लेना है। सबको डिवाइड कर लेंगे आप लोग, उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपकी। अब देखिए ये हो गया 2000 का, अब ये कितना होता है याद रखना है आपको, 400, 300, 200 और 100। 400 का ऑड डे 0 होता है, 300 का 1 होता है, 200 का 3 होता है और 100 का 5 होता है। ये आपको टेबल याद करनी है, ये ऑड डेज होते हैं। तो इसका 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, इसका 0 प्लस 300 का 1 हो गया, इसका 0 प्लस 300 का 1 हो गया, इसका 0 प्लस 100 का आपका 5 हो गया। तो इसका 0 0, इसका 1, इसका 1, इसका 5। आई बात समझ में? इसी प्रकार हमने यहाँ पे किया था, 2000 कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 यहाँ पे लिख दिया। सिंपली प्लस करना है। अब देखिए एक और सवाल देखते हैं ये वाला। अब देखिए 15 को 15 लिखा, अप्रैल क्या है, कोड आपका 0 है, 0 लिख दिया, प्लस 1900 का कोड कैसे निकालेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कितना 1600 प्लस का 300, ये तो 0 हो ही गया, 300 का कोड क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब बचा 68, वो लिखा जाएगा 68/4, 4 × 4 5 6 28 7 × 17 हो गया, फिर बचा क्या आपका लास्ट में 5। अब क्या करो, या तो इन सबको पहले प्लस कर लो फिर डिवाइड करो। मैं क्या करती हूँ, पहले डिवाइड करती हूँ, 7 × 2 = 14, 1 रिमाइंडर, कुछ भी नहीं, 1 का 1 रह जाएगा 68, 7 × 9 = 63, 63 का मतलब 5 रिमाइंडर, 63 का 7 × 2 = 14, 3 रिमाइंडर, 5 ऐसे रह गया, 5 × 5 = 10, 11 × 12 = 13, 14 × 15 = 15 आया, डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, 1 रिमाइंडर। यही आपका ऑड डेज है, मतलब 15 तारीख को आपका मंडे होगा। एक का मतलब क्या होता है, एक का मंडे, दो का ट्यूसडे, तीन का वेनेसडे, चार का थर्सडे, पांच का फ्राइडे, छह का सैटरडे और सात का संडे। सिंपल, क्लियर हुआ? तो 1 का आपका मंडे हो जाएगा। आई बात समझ में? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आप कोई भी साल का कोई भी दिन निकालिए, आसानी से निकल जाएगा विदाउट एनी दिक्कत। कुछ और ट्रिक्स भी है जिसमें क्या होता है आपकी कि कुछ जगह दिक्कत आती है, पर इस वाले कंसेप्ट से आपके किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं आए, कोई भी सवाल में। तो आई थिंक आपने आज एक मिनट में एक कंसेप्ट में एक नई चीज सीखी होगी कि किसी भी साल का कोई भी दिन हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपने साथियों को भी बोलेगा कि वो भी आगे सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं और लाइक कीजिएगा। ये क्लास बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, इसमें कम समय बर्बाद हो, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। इसके बाद आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं कैलेंडर का। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं वापस अगली क्लास के अंदर, बाय बाय।